मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अच्छे क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, स्केलर बेसिक डिफरेंशिएशन, उससे पहले हम वेक्टर का एडिशन सीखेंगे और कई सारे चीज़ें हम सीखेंगे। अगर पहले देखा जाए वेक्टर है क्या, तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि इसके पास दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड होता क्या है ये आगे भी देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। सेकंड क्या होगा इसके पास? डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। लास्ट में ये कहते हैं कि ये जो ऐड होंगे, जो वेक्टर्स ऐड होते हैं, वो बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से होते हैं। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको ध्यान में रखना होगा। समझने के लिए जरा एक बात समझिएगा ध्यान से। स्केलर, जैसे नंबर हम ऐड करते हैं, 2 + 2 बोल दिए 4, ठीक है ना। मास को ऐड करना, हमने बोला कि 2 kg में 3 kg हमने और रखा, आटा रखा मान लीजिए एक कंटेनर, उसमें 2 kg आटा पहले से था, 3 kg और रख दिया हमने। आप हमसे पूछेंगे क्या कि 3 kg किस डायरेक्शन से रखे हैं, ईस्ट फेस करके या नॉर्थ फेस करके? ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, यानी सिंपली ऐड कर देंगे 2 kg को 3 kg में ऐड कर देंगे, 5 kg आंसर हो जाएगा। यानी आपका सवाल ये नहीं होगा कि आप जब ऐड कर रहे थे तो 2 kg और 3 kg में क्या एंगल था या किस डायरेक्शन को फेस करके आपने रखा था, क्योंकि मास हमारा स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिन्हें वेक्टर्स बोलेंगे। अब एक और क्वांटिटी आता है टेंसर के बारे में, तो उसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना ही और सब चीज़ों के बारे में, बस वेक्टर हमारे पास है क्या। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, यानी जब उनको ऐड कर रहे होंगे ना, मान लीजिए 2 वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं, जब उनको आप ऐड कर रहे होंगे तो उनके बीच का थीटा क्या है ये बहुत मैटर करेगा। सिंपल सी बात, जैसे 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर के बीच का एंगल जो भी होगा, इस एंगल के बेसिस पर रिजल्टेंट या एडिशन हमारे पास आएगा। सब्ट्रैक्शन बेसिकली ऐड ही होता है एक तरह से, थीटा सब वेरी कराता है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, थीटा डिपेंडेंट होता है। सिंगल लाइन में लिखा जाए तो थीटा डिपेंडेंट होता है। आगे क्या फॉर्मूला होता है और अच्छे से प्रॉपर समझेंगे, लेकिन बस इतना 3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी उन सारे फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, एडिशन जब वो ऐड हो रहे होंगे तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप समझें, तो जो दो वेक्टर को मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं, 3 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो थीटा होगा उस थीटा पर डिपेंड करेगा। अब वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो भी हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन इस पर डिपेंडेंसीज की है। अगर एग्जाम्पल पूछा है तो क्या होगा, इस एग्जाम्पल वेक्टर का क्या पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में अभी तक, क्या फोर्स पढ़ते आ रहे हैं? हाँ या ना, ठीक है ना। और कुछ मोमेंटम और भी बहुत सारे हैं, ये सब हमारे वजह होगा। डायरेक्शन होगा मे बी, डायरेक्शन होगा मे बी, जैसे करंट के पास होता है, करंट के पास होता है। एडिशन की अगर बात करें, ये 2 स्केलर या 3 स्केलर या 4 स्केलर को जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? सिंपली इसका एल्जेब्रिक एडिशन होता है। कैसा? एल्जेब्रिक एडिशन होता है। एल्जेब्रिक एडिशन क्या है? जैसे 2 और 3 सिंपली लिखा हुआ है, ऐड करना है, मास को ऐड करना है, तो आप ये नहीं पूछेंगे दोनों के बीच में थीटा कितना, ना ही कोई मतलब है उसका, यानी 2 + 3 सिंपली 5। तो हो जाएगा एडिशन, जब आप करेंगे तो एल्जेब्रिक एडिशन होगा। और इसमें जो आपका करंट में स्केलर में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है, आदमी कन्फ्यूज होता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो है करंट को लेकर के, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, मास, लेंथ, ठीक है, एटसेट्रा। थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं वेक्टर ए, हम लोग बोल रहे हैं कोई क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है तो वेक्टर एफ लिखते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर ए कोई एक रैंडम मान है, वेक्टर ए हमारे पास, लिखने का तरीका कुछ ऐसा, ए लिखेंगे उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे भी हम वेक्टर ए, या बोलते हैं वेक्टर ए, ऐसे कुछ ऐसा करके। अगर ऐसा कुछ लिखा है वेक्टर ए के साथ में 2 mod लगा हुआ है, इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। या फिर इसको ये भी बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए भी बोलेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी बोलेंगे। एक और क्वांटिटी आपके सामने आएगा, क्या कुछ ए रहेगा उस पर कैप बना होगा, पढ़ते कैसे हैं इसको? सिंपली ए कैप बोलेंगे,
ए कैप बोलेंगे, बी होगा बी कैप, सी कैप, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ए कैप अगर है तो ये है क्या, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं, ठीक है ना। या इसको और क्या बोलेंगे, और डायरेक्शन अलोंग, अलोंग वेक्टर ए बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे, या यूनिट वेक्टर अलोंग ए बोलेंगे। ये बातें समझ में बेसिक। अच्छा अब अवश्य इसी में आते हैं जरा। ये हो गया वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसी को पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसी को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको ए कैप को। ए कैप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए का डायरेक्शन, या वेक्टर ए के अलोंग कोई एक डायरेक्शन बनाना चाहे पैरेलल बनाए उसके लिए, या इसी को यूनिट वेक्टर भी पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर इनडायरेक्टली होता क्या है, ए वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर से देखिए, यूनिट का मतलब क्या, वन, यूनिट का मतलब क्या, वन, यानी वन का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वन, तो केवल क्या बताया गया, डायरेक्शन बताता है, सिंपल सी बात। अब आइए नेक्स्ट, कोई भी वेक्टर, इसे मान लीजिए फोर्स ही है अपना, कोई भी वेक्टर है अपने पास, फोर्स है, वेक्टर को कुछ ऐसे लिखते हैं, देखिएगा पहले सब वर्ड्स में लिख देते हैं, वेक्टर को कुछ ऐसे लिखते हैं, वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये रहा, डायरेक्शन हमारे पास ये रहा, ठीक। अब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो अगर आपको लिखना हो फोर्स वेक्टर, आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इनटू एफ कैप। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये एफ कैप कैसे फाइंड करेंगे, अभी आगे का प्रोसीजर है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें वेक्टर में होती हैं। बात समझ में आ गया, तो ये हो गया वेक्टर, लिखते कुछ ऐसे हैं, ड्रॉ कुछ ऐसे करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट रही डायरेक्शन की बात, तो अभी तक जो हम लोग डायरेक्शन पढ़ते आ रहे हैं जनरल फॉर्म में, आगे कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसको क्या लिखते थे, ये ओरिजिन होता था, इसको पॉजिटिव एक्स लिखते थे हमें ना, इसको नेगेटिव एक्स लिखते थे, इसको पॉजिटिव वाई लिखते थे, इसको नेगेटिव वाई लिखते थे। चीज़ों को समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास ऐसा है, कोई फोर्स हमारे पास कुछ ऐसा है 2 न्यूटन का, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ ना फर्स्ट कंडीशन के, तो फोर्स वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 न्यूटन है ना ये मैग्नीट्यूड है। अभी आगे हम लोग बताएंगे भी 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ होता है, तो लेंथ जो है 2 न्यूटन है, हमने लिख दिया 2। किस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स क्या लिखते हैं ना, प्लस आई कैप, याद रखेंगे। पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में प्लस आई कैप। ये मैथ्स के फॉर्म में था हमारे पास, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो ये होगा प्लस आई कैप। वाई को लिखते हैं प्लस जे कैप, प्लस वाई को लिखते हैं प्लस जे कैप, माइनस वाई को लिखते हैं माइनस जे कैप, और माइनस एक्स को लिखते हैं माइनस आई कैप। बात समझ में आ गई, अगर जेड आएगा तो जेड को क्या लिख देंगे, आई होता है, जे होगा और के होता है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं नीचे ऐसे, एक्स वाई जेड, ये रिप्रेजेंट करता है आई कैप को, वाई कैप वाई हो जाता है जे कैप, और जेड हो जाता है के कैप। सवाल मन में ये भी आता है सर कैप क्यों, तो अभी हमने देखा कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, केवल डायरेक्शन बताता है। तो आई कैप बस इतना बता रहा है कि प्लस एक्स के अलॉन्ग है, बस इतना। वाई कैप प्लस जे कैप इतना बता रहा है प्लस वाई के अलॉन्ग है, मैग्नीट्यूड में कोई इसका एनरोलमेंट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस 2 न्यूटन क्या लिखेंगे, 2, और किधर है प्लस एक्स, तो हम यहाँ पर प्लस एक्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं प्लस आई कैप, और ये हो जाएगा 2 आई कैप। बात समझना के पहला, मान लीजिए अगर यही हम लेते हैं यहाँ पर, अब इसको हम बीच में भी ऐसे लेंगे, 3D में भी लेंगे, वो आगे की बात है, पहले बेसिक समझते हैं। 2 न्यूटन आपने यहाँ ले लिया, अब आप लिख रहे हैं सेकेंड केस, मान लीजिए हो गया सेकेंड केस, फोर्स कैप, ये फोर्स, ये भी फोर्स हमारे पास, एफेक्टेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है 2 न्यूटन का, ठीक है, किधर है प्लस वाई के अलॉन्ग है, तो प्लस जे कैप लिख देंगे। क्या जो यहाँ लिखे थे हम लोग, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डायरेक्शन, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये 2 जे कैप। आज ये थर्ड, ये भी 2 न्यूटन ही ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा इधर थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसको। थर्ड केस के लिए क्या लेंगे आप, फोर्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, बहुत अच्छा, माइनस आई कैप। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों के मन में कि सर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये जो माइनस है इस नेगेटिव एक्स 2 का माइनस है, ऐसा नहीं है,
टू है क्या? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लेंथ होता है, और लेंथ का भी माइनस नहीं हो सकता। इसको रीड कैसे करेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 न्यूटन। बात समझ में आ गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 न्यूटन ऐसे रीड करेंगे। तो ये हो जाएगा फाइनली। इसको कैसे लिख देंगे आगे हम लोग नोट करेंगे डायरेक्टली, माइनस 2i कैप भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस है किसका? 2 का है या आई कैप का है? आई कैप का है। बात समझ में आ गया? लास्ट एक और ले लेते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ये हो जाता है फोर्थ पॉइंट, और ये हो जाता है 4 न्यूटन ले लेते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट एफ कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता दीजिए? ये 4 ब्रैकेट में माइनस जे कैप, ठीक है ना? कैप क्या है? डायरेक्शन। ये हो जाएगा -4 जे कैप। कोई दिक्कत है इसमें? क्या बेसिक चीज़ समझ गए? ठीक है, नोट कर लीजिए जो चीज़ें बोले हम लोगों ने कैसे समझते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर के पास क्या क्या होगा? इसको बोलेंगे टेल, और ये हो जाएगा हेड, ठीक है ना? ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए, इसको लिखते हैं ए कैप, ए वेक्टर ऐसे करके। वेक्टर को कैसे लिखते थे हम लोग अगर याद हो तो? वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता था? मैग्नीट्यूड होता था, अभी जस्ट इसके पीछे हमने लिखा था, और इनटू उसका डायरेक्शन। जब भी कोई पूछता है कि सर ठीक है वेक्टर हमारे पास है इसका डायरेक्शन सिर्फ बताइए, तो केवल डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? ए कैप से। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ए कैप से। यहाँ से विजिबल भी होगा कि अगर ए कैप फाइंड करना हो तो बस मैग्नीट्यूड को वेक्टर में डिवाइड कर दें तो ए कैप मिल जाएगा। आगे कैलकुलेशन देखेंगे इसका। लेकिन ये दो चीज़ें हमारे पास है, एक तो इस वेक्टर का डायरेक्शन जो ए कैप है, दूसरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है क्या उसको समझिए। इस वेक्टर का जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ हमारे पास है, लेंथ ये क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई कन्फ्यूजन इसको? वेक्टर का खुद का लेंथ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये जो डायरेक्शन आए की तरफ जा रहा है हमारा, ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैप से। बात समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसको? इसको टेल बोलेंगे और इसको एरो को हेड बोलते हैं। हाँ, तो इसको मार्क कर सकते हैं, टेल लिख दीजिएगा यहाँ पर, हेड लिख दीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए। जब वेक्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे, दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उन वेक्टर्स के बीच में जानना? थीटा, एंगल। क्योंकि एंगल बदलेगा ना तो एडिशन चेंज हो जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना हमें जब पता होना चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उनमें एंगल कैसे आइडेंटिफाई करें ये हमें पता होना चाहिए। इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। और एडिशन भी हम लोग करेंगे ना, तो दो दो वेक्टर को एक एक साथ लेकर करेंगे, फिर थर्ड फिर फोर्थ ऐसे ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमको ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बात समझ आ गया? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के फॉर्म में हम ले रहे हैं कुछ ऐसा, एक केस ये रहा, मान लेते हैं वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर बी हमारे पास है। एक केस हम ले लेते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी। अभी कौन कहाँ रखे हैं, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, अब इस पर चिंता नहीं है, अभी फोकस हमारा है एंगल पर। ठीक, और नेक्स्ट हम ले लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी।
एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, एरर कभी नहीं होगा। क्या स्टेटमेंट है? जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल आप फाइंड करते हैं तो आप बेसिकली आप ध्यान देंगे किसका, एंगल बिटवीन, आप ध्यान देंगे एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे काम बनेगा। और जो थीटा होना होगा आपका वो हमेशा जीरो से बड़ा और 180 से छोटा, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी जीरो भी हो सकता है और लेस देन और इक्वल टू यानी 180 भी हो सकता है। अब सुनिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो डायरेक्शन है हमारा ए वेक्टर का क्या है, कैसा है, कुछ इस तरह से है क्या, और वेक्टर बी का डायरेक्शन हमारा कुछ इस तरह से है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास दो एंगल दिखेंगे, एक ये वाला और एक यहाँ से। कौन सा एंगल लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट मार्क करते हैं सेकेंड मार्क करते हैं, कौन सा लेंगे आप एंगल, हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के अलोंग एंगल मिलेगा हमें वो लेंगे, ये डायरेक्शन के अलोंग ये जा रहा है ये जा रहा है तो थीटा हम यहाँ पर लेंगे पहली बार। ठीक, उसी से यहाँ देखिए ये एरो हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, थीटा हमारा ये होगा। बात समझ आ गया? उसी तरह ये हमारा आगे जा रहा है, ये आगे की तरफ है, एंगल कौन सा लेंगे, ये वाले लेंगे, थीटा हमारा ये होगा। मन में भी आ सकता है सर ये वाला भी ले लें क्या, तो नहीं लेंगे, अब हमारा 180 से ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो एंगल हम कौन सा लेंगे, जो उसी के डायरेक्शन में वेक्टर के डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा होगा वो थीटा हम लेंगे। जब थीटा एक बार आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो फिर रिजल्टेंट फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बेसिक है, अब जरा दो तीन स्ट्रक्चर और देखते हैं फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एंगल कुछ ऐसा वेक्टर दिया, पहले समझ लीजिएगा, एक बार समझ लेंगे तो काम हो जाएगा, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, क्लियर है? कुछ मान लीजिए ऐसा दिया हमको, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिया, ठीक है, एक और ले लेते हैं, हेक्सागन टाइप का ले लेते हैं, कुछ ऐसा दिया, ये एरो बना है, ठीक है, एक ले लेते हैं कुछ ऐसा, चल। अब थीटा देखिएगा, एंगल किसके बीच में चाहिए, एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। अगर फर्स्ट देखें तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है, इसका डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इसका ऐसा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला थीटा वन ले लेते हैं, दूसरा थीटा टू ले लेते हैं और थर्ड थीटा थ्री ले लेते हैं। ये बात समझ में आ गया? मार्किंग कैसे करेंगे, ठीक है ना, जैसे इसका जो एरो है आगे एक्सटेंड किया हमने, ये तो इधर जा ही रहा है तो थीटा वन, उसी तरह ये जा ही रहा था आगे, इसका एरो नीचे की तरफ था तो थीटा टू, इसका एरो नीचे की तरफ था ये इधर जा रहा था थीटा थ्री। यहाँ पर अगर देखें तो एरो आगे की तरफ गया, ये भी आगे की तरफ गया, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। अगर देखें तो जो ये थीटा होगा ये दोनों थीटा सेम ही होंगे, ठीक है, ये आगे की तरफ लेकर गए और ये इधर जा ही रहा हमारे पास, तो थीटा हो जाएगा हमारे पास ये। उसी तरह यहाँ पे सबका पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ये डायरेक्शन इसका हो गया, ये डायरेक्शन ये हो गया, डायरेक्शन 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 और डायरेक्शन, इसको ले लेंगे थीटा वन, ले लेंगे थीटा टू, थीटा जानना बहुत ज़रूरी है, वह थीटा समझ जाएंगे काम बन जाएगा, थीटा फोर थीटा फाइव और थीटा सिक्स। इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हमें वो एंगल चाहिए जो दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है, बस इतना ही। तो इंटीरियर एक्सटीरियर में कन्फ्यूज नहीं होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर थीटा है ही, इसको ड्रॉ कर लीजिए और एग्जांपल में भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर पहले समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट हमारे पास इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। अगर ये दोनों सेम हैं तो इक्वल वेक्टर होंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखा जाए तो मान लीजिए थ्री न्यूटन का फोर्स है और दूसरा भी 3 न्यूटन है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 3 न्यूटन हमारे पास और ये जस्ट अपोजिट हो गया तो ये इनकरेक्ट है, ये हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। कहीं बात समझ में आया ना, ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल,
नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? नेगेटिव वेक्टर्स अगेन, वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये सेम हो जाएगा तो फिर इक्वल दोनों बराबर हो जाएंगे ना, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास 3 न्यूटन है, ठीक है, और अपोजिट मान लीजिए 2 न्यूटन है, क्या ये करेक्ट होगा? क्या नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन और अपोजिट होना चाहिए, करेक्ट क्या होगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 न्यूटन है और ये क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा है? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड थर्ड, पैरेलल वेक्टर अगेन, वेक्टर के पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जांपल देख लेंगे। मैग्नीट्यूड पैरेलल वेक्टर में क्या है? मैग्नीट्यूड एनी कुछ भी हो, जरूरी नहीं हो कि सेम ही हो, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एग्जांपल के फॉर्म में, अगर ये 4 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो भी करेक्ट है, ठीक है ना? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, अगर ये 4 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, तो भी करेक्ट है। बात समझ में आ गया? तो मैग्नीट्यूड एनी, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ये 4 न्यूटन है और 2 न्यूटन 4 न्यूटन अपोजिट में हो जाए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पैरेलल वेक्टर के पास है 4, था पास है एंटी पैरेलल वेक्टर, नाम से क्लियर हो गया होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। अगेन वेक्टर के पास दो चीज़ें, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? एनी, कोई भी मैग्नीट्यूड, इक्वल हो अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन में वहाँ पे अगर सेम था तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर ऐसे मान लीजिए 4 न्यूटन आप ले रहे हैं इसको, तो अपोजिट आप 4 न्यूटन ले रहे हैं, आप नेगेटिव हटा देते हैं, 4 न्यूटन ले रहे हैं, करेक्ट है। बात समझ गए? अगर इसको आप 4 न्यूटन ले रहे हैं, अपोजिट में आप 2 न्यूटन ले रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर ये आप ले रहे हैं 4 न्यूटन और ये सेम डायरेक्शन में 2 न्यूटन है, तो इनकरेक्ट। बात समझ गए? एक और आप पास देख लेते हैं, फिफ्थ, को इनिशियल वेक्टर। इसमें कुछ नहीं होता है, जितने वेक्टर होंगे सबका टेल सेम होगा। वेक्टर ए हमारे पास है, यहीं से दूसरा वेक्टर बी भी होगा, यहीं से तीसरा वेक्टर सी भी होगा, ये सारे क्या होंगे? ए बी और सी क्या होंगे? को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आ गया? क्या डिफरेंस क्लियर है सब में? नोट कर लीजिए। शुरुआत चीज़ें हैं बेसिक से।